नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का फिर से स्वागत है न्यूज 21 राजस्थान में। ये है हमारी दैनिक प्रस्तुति नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम देश, प्रदेश एवं हमारे नागौर जिले से जुड़ी हर खबर को लेकर, हेडलाइंस को लेकर आपके बीच में रोज उपस्थित होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। कोरोना अपडेट, बीती रात 8:30 बजे रिपोर्ट के अनुसार कल प्रदेश में 350 नए केस के साथ आंकड़ा पहुंचा 18,662, जिसमें से 3,284 केस हैं सक्रिय। कल 9 एवं अब तक 430 की हो चुकी है मौत। नागौर जिले में कोरोना अपडेट, कल मिले 16 नए केस के साथ आंकड़ा पहुंचा 657, जिसमें से 590 लोगों को रिकवर होने पर कर दिया गया है डिस्चार्ज। जिले में हो चुकी है अब तक 12 मौत, सक्रिय मामले हैं 55। अनलॉक 2 के दौरान सरकार की ओर से आमजन को स्वविवेक के आधार पर कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनने तथा अन्य मेडिकल एडवाइजरी की पालना की गई है अपील, परंतु जिले एवं नागौर शहर में अवहेलना करने वाले लोगों को सबक सिखाने हेतु काटे जा रहे हैं चालान। इसी क्रम में नागौर शहर के विजय वल्लभ चौराहे एवं कलेक्ट्रेट चौराहे पर थानाधिकारी चंद्र प्रकाश यादव के नेतृत्व में काटे गए चालान। परबतसर मेड़ता मार्ग पर नाथ का बेरा व रोहिंदी घाटी के बीच बुधवार शाम को एक डंपर ने मारी बाइक को टक्कर। टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही हुई मौत, तीसरा हुआ गंभीर घायल। सूचना पर एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने पर मौजूद लोगों ने जताई नाराजगी। मौके पर पहुंचे पुलिस थाना परबतसर ASI जगदीश मीणा के अनुसार टक्कर के बाद डंपर बुरी तरह से झाड़ियों में फंसा तथा मृतकों को रखवाया गया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में, घायल को किया गया अजमेर रेफर। कोरोना से बचाव को लेकर जन जागरूकता अभियान जिले में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस महाअभियान के तहत पिछले 11 दिनों से चल रही है विभिन्न गतिविधियां और नवाचारों के इसी क्रम में गुरुवार को हस्ताक्षर अभियान की गई शुरुआत। महात्मा गांधी दर्शन समिति व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने की। गांधी दर्शन समिति के जिला से संयोजक हीरालाल भाटी ने जताया आभार। कुचामन सिटी के लकड़ी के कारखाने में लगी आग, मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंचा प्रशासन एवं दमकल। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख, बरसक प्रयासों के बाद दमकल ने पाया आग पर काबू। सूचना पर त्वरित पहुंचने वालों का हुआ सम्मान, रियाबड़ी उपखंड अधिकारी सुरेश केम द्वारा कोरोना महामारी के दौरान प्रशंसनीय सेवा देने वाले 108 एम्बुलेंस पायलटों का कोरोना योद्धा के रूप में प्रशंसा पत्र देकर किया गया सम्मान। कुचामन सिटी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों को लेकर राष्ट्रपति के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। SDM कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा मुश्किल वक्त में मुनाफाखोरी कर रही है सरकार। थावला कस्बे के बस स्टैंड के पास स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की करीब 40 फीट लंबी दीवार अज्ञात कारणों से ढह गई, नहीं हुई कोई जनहानि। प्रिंसिपल श्रीमती राजेश के अनुसार स्कूल की दीवार करीब 100 वर्ष थी पुरानी। शिक्षात्र फाउंडेशन द्वारा कल राजस्थान के सभी जिलों में कक्षा 10 की इतिहास की पुस्तक में किए गए बदलाव के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम सभी उपखंड अधिकारियों एवं जिला कलेक्टरों को सौंपे गए ज्ञापन। शिक्षा नगरी कुचामन सिटी में कॉलेज एजुकेशन में व्यापक विस्तार एवं आवश्यक सुधार के लिए सत्र 2020-21 की प्रथम बैठक हुई आयोजित। बैठक में कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा सहित अन्य महाविद्यालयों के संचालक एवं प्राचार्य रहे उपस्थित। तो ये था आज के अंक का नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम अगले अंकों में आपके बीच में आते रहेंगे। यदि आप अपने क्षेत्र से भी किसी हेडलाइंस को इसमें शामिल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर का उपयोग कर सकते हैं। ये था आज का अंक। इसी तरह के अंक लेकर आपके बीच में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।